अमित को जनगणना करने अपनी टीम के साथ मानिकपुर नाम के एक रिमोट विलेज में जाना था। हम लोग कल सुबह मानिकपुर गांव की तरफ निकलेंगे। सभी लोग अपने साथ 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर आए, हमें वहां कुछ दिन रुकना पड़ सकता है। तभी टीम का एक मेंबर राकेश अमित से बोला, अमित सर, जंगल नदी पार करके उस बेकार गांव में जाने की मेहनत क्यों करना? पिछली बार का ही रिकॉर्ड लिख दीजिए, उस गांव में आज तक कोई सरकारी टीम नहीं गई। नहीं गई तो कोई बात नहीं, इस बार जाएगी। सर, उस गांव में एक सफेद चुड़ैल आती है, जिसकी नजर चुड़ैल पर पड़ जाए तो वो सफेद पत्थर बन जाता है। कई साल पहले जनगणना करने की एक टीम वहां गई थी, वो आज तक लौट कर नहीं आई। अमित ने राकेश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। राकेश, तुम्हारी बकवास के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगले दिन अमित की टीम जब गांव जाने के लिए इकट्ठी हुई तो राकेश एब्सेंट था। अमित, पूजा और प्रदीप तीनों लोग नदी और जंगल पार करके शाम तक गांव पहुंच गए। वहां उन्हें गांव के सरपंच के घर ठहरना था। जब रात में सोने की बारी आई तो अमित हैरान रह गया। सरपंच ने अमित को एक आयताकार गड्ढा सोने के लिए दिया। सरपंच जी, मैं इस गड्ढे में क्यों सोऊंगा, ये तो कब्र जैसा लग रहा है। गांव के सारे लोग गड्ढे में ही सोते हैं, क्योंकि यहाँ रात में एक सफेद चुड़ैल आती है, जिसकी नजर पड़ते ही इंसान पत्थर बन जाता है। क्या आप पहले से चुड़ैल के बारे में जानते हैं? हाँ, मैं सुन चुका हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई सफेद चुड़ैल है जो लोगों को पत्थर बना देती है, तो क्या आप मुझे उन लोगों की मूर्तियाँ दिखा सकते हैं जिन्हें चुड़ैल पत्थर बना चुकी है? सरपंच अमित को एक बड़े कमरे में लेकर गया, जहाँ कोई सफेद मूर्तियाँ रखी हुई थीं। मूर्तियाँ देखकर अमित को भी डर लगा और वो आयताकार गड्ढे में जाकर चुपचाप सो गया। रात में उसे एक धमक सुनाई दी, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। अमित घबरा गया। सरपंच ने मुंह पर उंगली रखकर सब लोगों को इशारा किया कि शांत रहे और चुपचाप लेटे रहे, लेकिन अमित से नहीं रहा गया और उसने चुपके से खिड़की से बाहर झांका। एक सफेद रंग की चुड़ैल गांव में घूम रही थी, उसके पत्थर जैसे पैर जमीन पर पड़ते तो धमक होती। सरपंच का ध्यान अमित पर था। इतनी देर में प्रदीप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने चुपके से मोबाइल पर चुड़ैल की फोटो लेने की कोशिश की। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी। प्रदीप को इस बात का ध्यान नहीं रहा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, फ्लैश लाइट चल गई, जिसके कारण चुड़ैल का ध्यान प्रदीप की तरफ खींच गया और प्रदीप पत्थर बन गया। जब चुड़ैल चली गई तो सरपंच और अमित मिलकर प्रदीप की मूर्ति घर के अंदर लेकर आए। पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि प्रदीप पूजा का भाई था। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ गई, काश मैंने गेट पर ताला लगाया होता। सरपंच जी, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? उस चुड़ैल से आप गांव वाले इस तरह कब तक डरते रहेंगे? हम उससे डरते नहीं हैं, हमें पता है कि वो कैसे मरेगी। अगर आपको पता है कि वो कैसे मरेगी तो उसे मार क्यों नहीं देते? बहुत साल पहले गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग पर एक प्रेत उतरा था, उसने एक मड़ी दी थी, उस मड़ी को चुड़ैल के माथे पर लगाकर चुड़ैल को मारा जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कोई भी चुड़ैल के माथे पर मड़ी लगाने जाता है तो चुड़ैल की नजरें उस पर पड़ जाएगी और वो पत्थर का बन जाएगा। आप वो मड़ी मुझे दीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगली रात अमित ने एक गड्ढा खोदा। जब चुड़ैल के आने की धमक सुनाई दी तो उस गड्ढे में गीला सीमेंट भरकर तुरंत घर में घुस गया। चुड़ैल जब सड़क से गुजरी तो उसके पत्थर जैसे पैर सीमेंट में चिपक गए। पूजा पीछे से दौड़कर तुरंत चुड़ैल के पास पहुंची और उसने चुड़ैल की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी, जिससे चुड़ैल कहीं देख न पाए। अमित दौड़कर आया और उसने चुड़ैल के माथे पर मणि रख दी। मणि रखते ही चुड़ैल जलकर मरने लगी। चुड़ैल के भस्म होते ही सारी सफेद मूर्तियां वापस इंसान बन गई। जैक और अप्रैल अमेरिका में मायामी शहर में रहते थे। उन्होंने एक साल पहले ही शादी की थी। अप्रैल की प्रेगनेंसी की शुरुआत थी, इसलिए वो हर वीक डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती थी। सब कुछ ठीक है, बस ज्यादा मेहनत वाला कोई काम मत करना और किसी तरह की टेंशन मत लो।
डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर अप्रैल हर बार एक घर के सामने से गुजरती थी जिसके दरवाजे पर अजीब सा डरावना मुखौटा लगा था। अप्रैल को उस मुखौटे को देखकर लगता कि जैसे वह मुखौटा उसी की तरफ देख रहा है। एक रात डिनर करते हुए अप्रैल ने जैक से कहा, क्या तुमने कभी डॉक्टर के क्लिनिक के पास वो घर देखा है जिस पर एक मुखौटा लगा रहता है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया, तुम उस घर के बारे में क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो मुखौटा मुझे उस घर की तरफ खींच रहा है। कभी कभी तुम अजीब बातें करती हो, तुम उस घर की तरफ ध्यान मत दिया करो। जैक और अप्रैल जब उस रात सो रहे थे तो उन्हें अपनी पड़ोस के घर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक कर जाग पड़े। लगता है हमारे पड़ोस के घर में कुछ हुआ है, मैं अभी देख कर आता हूँ। जैक जब पड़ोस के घर में पहुँचा तो उसने एक आदमी की लाश पड़ी देखी जिसके सीने पर चाकू से वार किया गया था। जैक उस आदमी के पास जाने ही वाला था कि सामने के रूम से एक औरत निकल कर आई जिसने भयानक मुखौटा पहन रखा था। औरत के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। जैक समझ गया कि सामने पड़े आदमी की हत्या उसी औरत ने की है। मुझे आत्मा चाहिए। औरत जैक की तरफ झपटी लेकिन जैक घर से भाग गया और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके पुलिस को फोन कर दिया। कुछ दिनों बाद अप्रैल और जैक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसके पड़ोस वाले घर में जो कपल रहता था वो इनफाइनाइट नाम के एक ग्रुप का मेंबर था। ग्रुप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी है, बस इतना ही पता लगा है कि वो ग्रुप अमर होने की खोज में निकले लोगों को अपने साथ जोड़ता था। अप्रैल जब नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे पर्दे के पीछे एक बेंच पर लिटा दिया और इंतजार करने को बोला। कुछ देर बाद जब डॉक्टर वापस आई तो उसके चेहरे पर वही भयानक मुखौटा लगा था जो अप्रैल ने क्लिनिक के सामने वाले घर के दरवाजे पर लगा देखा था। डॉक्टर के हाथ में एक लंबा चाकू था। मुझे आत्मा चाहिए। डॉक्टर अप्रैल के पेट में चाकू घोंपने ही वाली थी लेकिन अप्रैल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पंच मारकर कोने में गिरा दिया। अप्रैल क्लिनिक से निकलकर बाहर भागी। जब वो मुखौटे वाले घर के सामने से गुजर रही थी तो उस घर का दरवाजा खुला और किसी ने हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। अप्रैल फर्श पर जा गिरी। जब उसने अपने आसपास देखा तो घर में कोई नहीं था। अप्रैल उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अप्रैल जैक को फोन करना चाहती थी लेकिन उसका पर्स डॉक्टर के क्लिनिक पर ही छूट गया था जिसमें उसका मोबाइल था। अप्रैल ने घर के अंदर चार लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। चारों के एक हाथ में कैंडल और दूसरे हाथ में खून से सना चाकू था और वे वही डरावना मुखौटा पहने थे जो उस घर के दरवाजे पर लगा हुआ था। चारों एक ही बात बोल रहे थे, हमें आत्मा चाहिए। चारों अप्रैल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दरवाजा खोलो, जैक बचाओ मुझे, कोई मुझे बाहर निकालो। अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर का धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। बाहर जैक पुलिस के साथ था। अप्रैल जैक से लिपट गई और रोने लगी। मैं आ गया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैक के साथ पुलिस भी थी। पुलिस ने चाकू हाथ में लिए और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल और जैक अगले दिन चर्च के पादरी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। फादर, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर वो मुखौटे वाले लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तुम्हारी माँ एल्सा को जानता था। तुम्हारी माँ इन्फिनिट ग्रुप की मेंबर थी। उस ग्रुप के लोग एक शैतान या पिशाच को पूजते हैं। उनका विश्वास है कि वो पिशाच को जितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे, पिशाच उन बलि चढ़ाए हुए लोगों की उम्र उन्हें दान कर देगा और इस तरह वे हमेशा जीवित रह पाएंगे। इसलिए उस ग्रुप के मेंबर दूसरों की हत्या करते थे। वो मुखौटे वाला घर उस ग्रुप का सेंटर है।
फिलहाल वो घर पुलिस के कब्जे में है, लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उस घर के आसपास से ना गुजरो तो ठीक रहेगा। वो तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर दो आत्माओं का वास है, एक है तुम्हारी और दूसरी तुम्हारे होने वाले बच्चे की आत्मा। अप्रैल और जैक ने मायामी शहर छोड़ दिया और वे न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए।